गुड इवनिंग ऑल। आवाज क्लियर येतोय? क्लियर ऑडिओ व्हिडिओ क्लॅरिटीचं काय ते कमेंट मध्ये सांगा। ओके सो कल हमने इस टॉपिक को शुरुआत की थी जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आणि या टॉपिक मध्ये आतापर्यंत आपण रूट्स कंप्लीट रूट्स स्ट्रक्चर त्याचे मॉडिफिकेशन कंप्लीट केलेले आहेत। तो एक बार मैं पेज बाय पेज जाऊंगा आपको कल तक जहां मतलब कल हमने जहां तक पढ़ा है उस बिट तक कुछ भी डाउट हो कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो खाली कमेंट में पोस्ट कर देना कि सर ये पैराग्राफ या ये वर्ड फिर से एक्सप्लेन करो। ओके तो देखो हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर का स्टडी होता है एंड हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली क्लासीफाई करना है और अंडरस्टैंड करना है तो हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म ने किसी हैबिटेट में अडेप्ट होने के लिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्लाइंबिंग के लिए स्टोरेज के लिए कुछ अगर अडेप्टेशंस किए हैं तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासीफाई करने के लिए क्या जरूरी है? स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स समझना जरूरी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन का पता होना जरूरी है और अलग अलग पार्ट्स में आए हुए वेरिएशंस का पता होना जरूरी है। ऊपर जाते हैं देखो रूट का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था कल हमने क्या पढ़ा था कि रेडिकल से जो रूट डेवलप होता है उसे टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। उसमें जो मेन रूट है वो प्राइमरी होता है उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी रूट वहां पे आते हैं। डाइकॉट्स में कौन सा रूट सिस्टम कॉमन है? टैप रूट। और मोनोकॉट्स में ये जो प्राइमरी रूट है वो ज्यादा दिनों तक ज्यादा वक्त तक नहीं रहता उसकी जगह पर बहुत सारे फाइबर लाइक रूट्स आते हैं उसे फाइबरस रूट कहा जाता है। एग्जांपल क्या हाईलाइट किया आपने? व्हीट हाईलाइट किया है। ओके याद है ना। और इधर ऊपर कौन है? मस्टार्ड दिया गया है। साथ ही मैंने कहा था पी बीन्स सनफ्लावर इनमें भी टैप रूट सिस्टम होता है। इसके अलावा रूट अगर रेडिकल से ना डेवलप होके किसी और पार्ट से डेवलप होता है तो उसे कौन सा रूट कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। और हमने उसके मॉडिफिकेशंस भी कल देख लिए हैं। डाउट्स पोस्ट करो भाई लोग। गुड इवनिंग की जगह कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है। आरती बेटा इट्स इवनिंग। ओके सो कल तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या दिक्कतें हैं ये पोस्ट कर दो। ओके कोई डाउट कोई डिफिकल्टी कल तक के लेक्चर में। सो ये एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो उन हिस्सों से डेवलप होते हैं जो वो रेडिकल से नहीं डेवलप होते या प्लूमियल से डेवलप होते। आगे बढ़ते रीजंस ऑफ रूट। रूट के कौन से रीजन है तो ये क्या है रूट कैप है। इसमें कौन से ग्रेन्स होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स होते हैं जो कि ग्रेविटी परसेप्शन में मदद करते हैं। इसके पीछे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है। इनमें ये कौन है? रूट हेयर है। रूट हेयर का काम क्या है? पानी एब्जॉर्ब करना है। ओके वाटर का एब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ओके फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल जूसिया। जूसिया आदेश फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल इज जूसिया। नहीं जैसे जैसे ब्रांचिंग आते हैं मोसिन वैसे वैसे वो छोटे छोटे हो जाते हैं। ओके देन यस चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशंस देखो यहां तक ही दिया है एनसीईआरटी में। मॉडिफिकेशन जो है उतने ज्यादा नहीं दिए हुए लेकिन मतलब बहुत ही कम है। हमने जो कल पढ़े हैं वो सारे आपको याद करने हैं। मैंने नोट्स में वो दिए हैं सारे मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशंस में पहले हमने क्या देखा था? टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन देखे थे उसके बाद हमने एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन देखे थे। देन एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है बनियान ट्री का ये क्या है? दीज आर दी पिलर्स। ओके और प्रॉप रूट्स। उसके बाद ये टर्निप फ्लेशी टैप रूट का एग्जाम्पल है और उसमें भी क्या ये नैपी फॉर्म है, ये क्या है कोनिकल है और ये क्या है फ्यूजी फॉर्म है रेडिश। ओके देन एस्पेरेगस दिया है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज दिस? ये ऊपर आए हुए मतलब निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का अकेला एग्जाम्पल। कौन है अकेला एग्जाम्पल उसका? तो राइजोफोरा। और उन रूट्स को क्या कहते हैं? नेमेटोफोर्स। तो यहां तक हमने कल देख लिया था भाई। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्टेम। ओके रूट में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर दो एक बार देख लेता हूं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है सर? तुम फ्लैश यस 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 विकास वो फ्लैश कार्ड फिर से आ जाएगा। देन ओके भाई चलो आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा बिट है स्टेम। तो कल हमने जो एक डायग्राम देखा था, रेडिकल से रूट निकलता है, एंड इसी डायग्राम में कल भी मैंने कहा था कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जो शूट सिस्टम दे रहा है उसे प्लूम्यूल कहा जाता है। मतलब एम्ब्रियो से दो पार्ट्स निकल रहे हैं, एक रेडिकल जो रूट सिस्टम में डेवलप हो रहा है और दूसरा प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल जो है इससे ये शूट सिस्टम डेवलप होता है। ओके, सो प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है शूट सिस्टम, और इस शूट सिस्टम का ये जो एक्सिस है, सपोज दिस इज द सॉइल, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है ये रूट्स होते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शूट सिस्टम होता है। इसमें सब कुछ आया, ये जो स्टेम है ये भी आया, इस पर जो ब्रांचेस होंगे वो भी आए, इस पर जो लीव्स होंगे वो भी आए, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ मिलके क्या बन रहा है, शूट सिस्टम बन रहा है। और शूट सिस्टम का ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे जिस पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स अटैच है, इसे कहा जाता है क्या, स्टेम। तो अगर पूरा का पूरा शूट सिस्टम यानी जमीन के ऊपर जो हिस्सा है उसमें स्टेम भी आया, ब्रांचेस भी आए, लीव्स भी आए, फ्लावर्स भी आए और फ्रूट्स भी आए, वो सब कुछ अगर प्लूम्यूल से डेवलप हुए हैं तो स्टेम भी किसका हिस्सा है, स्टेम भी हिस्सा है प्लूम्यूल का, या प्लूम्यूल का ही डेरिवेटिव है, पहला पॉइंट। अब ये हवा में बढ़ रहा है लाइट की तरह। चलो भाई, हाँ पता है, मुझे पता है, अब रिज्यूम हो गया। यस बेटा अनिरुद्ध, आता आलाय का? पाऊस पडतो इकडे बाहेर, मे बी त्याच्यामुळे इंटरनेट गेलं असेल पावसात भिजायला। ओके है, चलो भाई। ओके, इसी का नाम तो ऑनलाइन है, पॉजेस पॉजेस में लेक्चर जो होते हैं वही ये ऑनलाइन है भाई। तो यस, चलो बाहेर असा छान पाऊस, इंटरनेट जायला पाहिजे की नाही जायला पाहिजे, काय वाटतं तुम्हाला, नेट किती, तुमची काय इच्छा आहे की नेट जायला पाहिजे की नाही जायला पाहिजे? मला तर असं वाटतं गेलं म्हणजे बाहेर पावसाचा तरी आनंद घेता येईल। सो अच्छा, नाही जायला पाहिजे, बघा ते। ओके ओके, बर बाबांनो, नाही जाणार, मी माझं मत सांगितलं तुम्हाला। तर बघा इकडे, स्टेम जो असतो तो काय काय, ओके ओके, हा चल, नाही जायला पाहिजे। सहा महिन्याचाच काळ आहे, एकदम इंटेन्स क्वालिटी कंटेंट इकडून येणार आहे आणि तुमच्या डोक्यात ते जाणार आहे। 1.5 तास खाऊन पिऊन व्यवस्थित बसायचं, पूर्ण लेक्चर करत असतानाच लक्षात ठेवायचं आणि लगेच क्वेश्चन एक्झाम सॉल्व्ह करायची। ओके, सो चलो भाई, नीचे का जो है वो रूट है, ऊपर का जो है प्लूम्यूल से डेवलप हुआ, ये स्टेम है। स्टेम पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक है क्योंकि वो हवा की तरफ ग्रो करते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है क्योंकि वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, और स्टेम इज निगेटिवली, वो निगेटिवली क्या है, तो निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, दे ग्रो अवे फ्रॉम वॉटर, दे ग्रो अवे फ्रॉम वॉटर एंड दे आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। सो स्टेम जो है ये स्टेम हवा की तरफ ग्रो कर रहा है इसलिए पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक, ये लाइट की तरफ ग्रो करता है इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ये अवे फ्रॉम वाटर ग्रो करता है इसलिए निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड अवे फ्रॉम सॉइल ग्रो करता है इसलिए निगेटिवली काय, पटपट पटपट रिकॉल झालं पाहिजे, जिओट्रॉपिक। ओके, अब यंग जो स्टेम है भाई लोगो, वो यंग स्टेम कैसा होता है, तो यंग स्टेम हरा होता है। ओके, और जैसे जैसे त्या हिरव्या स्टेमचं जेव्हा खोड होतं, ज्या वेळेला ते लाकूड किंवा ते स्टेम मॅच्युअर होतं, त्यावेळेला ते उडी आणि ब्राउनिश होत असत। कसं, तर बघा इकडे, ये देखो, ये लाइन है एनसीईआरटी का। तो यंग स्टेम जो है वो कुछ इस तरह से होता है, हर्बेशियस होता है, ग्रीन होता है, जब प्लांट ग्रोइंग एज में होता है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, एंड वंस, जब भी वहां पर वंस द ग्रोथ इज कंप्लीटेड, दिस हर्बेशियस स्टेम कन्वर्ट्स इनटू द उडी पार्ट, या उडी स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हर्बेशियस जो है वो उडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये बात कुछ, या मतलब आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, जो नेचर में एक लक्ष्य ठेवा,
ऑब्जर्वेशन तुमचं जेवढं स्ट्रॉंग, जेवढं तुम्ही आजूबाजूला ऑब्जर्व करतात गोष्टी, तेवढ्या तुम्हाला त्या तुमच्या करिक्युलम मध्ये सापडतात. म्हणजे तुमचं ऑब्जर्वेशन जेवढं स्ट्रॉंग, बायोलॉजीला तर हे फार तंतोतंत आहे. मतलब बायोलॉजी में आप आपके आसपास की चीजों को जितना ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, उतना ही वो चीजें कोरिलेट होती जाती है, उतनी आपको बुक में मिलती जाती है. तो यंग स्टेम इज ग्रीन, वाइल जो मैच्योर स्टेम है वो उडी होता है और ब्राउनिश होता है कलर में. आगे बढ़े. अब स्टेम पर हमें पता है कि क्या होते हैं. स्टेम पर लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है और उस पर क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएंगे आपको, और वो पॉइंट है बर्ड्स. बर्ड्स जो होते हैं एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब उसका बहुत सा कंटेंट नहीं है, पॉइंट है. तो ये सपोज मान लो स्टेम है, स्टेम पर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखते हैं, शुगर पे केन हो या फिर बैम्बू हो, इन पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं. लेकिन जिन प्लांट्स के स्टेम पर ये नहीं दिखते, वहां पर भी वो एग्जिस्ट करते, खाली वो प्रोमिनेंट ना होने की वजह से हमें समझ में नहीं आते, हमें दिखते नहीं है. स्टेम वरती या ज्या हॉरिजॉन्टल लाइन असतात ना पोरांनो, यांना म्हटलं जातं नोड्स. यांना काय म्हटलं जातं? नोड्स. नोड्स मध्ये मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतात. मतलब यहाँ पर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू होते हैं या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स होते हैं, और ये जो नोड्स है, इन नोड से ही लीव्स या फिर ब्रांचेस या फिर फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स आते हैं. मतलब ये जो पार्ट हम कह रहे हैं कि स्टेम अटैच कर अटैचमेंट दे रहा है, स्टेम ज्या पार्ट्स ला अटैचमेंट देते, कुठल्या पार्ट्स ते? वो फ्रूट होता है, वो फ्लावर होता है, वो लीफ होता है, वो ब्रांचेस होते हैं. इन सारे पार्ट्स को स्टेम अटैचमेंट देता है, या स्टेम से ये ओरिजिनेट होते हैं. कहां से? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इनको नोड कहा जाता है. नोड से ही वो निकलते. क्यों निकलते? क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही इनको प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दो नोड के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है भाई लोगों, उसे कहा जाता है इंटरनोड. क्या कहा जाता है? इंटरनोड. ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, और दोनों के बीच में ये जो गैप है इसे इंटरनोड कहा जाता है. इंटरनोड से आमतौर पर या जनरली कुछ नहीं निकलता, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन इंटरनोड पर वैसे तो कुछ निकलता नहीं है. ओके, देन जस्ट अ मोमेंट. यस, ओके. तो देखो भाई, ये नोड है, ये नोड है, दोनों के बीच में ये क्या है? इंटर नोड है. नोड से ब्रांच निकल सकता है, लीफ भी नोड से ही निकलता, फ्लावर फ्रूट सब कुछ नोड से निकलते हैं. लेकिन 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 कि ये जब ब्रांच निकलता है तो डायरेक्ट ऐसा सर ब्रांच निकतो का? क्यों? लीफ निकलत असलं तर असं फर पान निघतं का? नाही. हे सगळे आधी काय असतात? आधी हे बर्ड्सच्या फॉर्म मध्ये असतात, कळ्यांच्या फॉर्म मध्ये असतात. म्हणजे स्टेम वरन ज्या वेळेला कुठलाही स्ट्रक्चर बाहेर निघणार असतो, तर त्या नोडवर अगोदर असं लिफी ग्रीनिश छोटस असं स्ट्रक्चर निघतं. ये जो छोटासा स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है बर्ड. और ये बर्ड बाद में ब्रांच में डेवलप हो सकता है, लीफ में डेवलप हो सकता है, या फ्लावर में भी डेवलप हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि वो बर्ड कैसा है. लेकिन मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली सर ब्रांच पर निगत नहीं, यानी फर लिप पर निगत नहीं, अगोदर काय असते? कळी असते. ओके, आणि ती कळी खुलली किंवा ती कळी मग पुढे ग्रो झाली की त्याच्यापासून ब्रांच, त्याच्यापासून लीफ, त्याच्यापासून फ्लावर बनणार असतं. तर या बर्ड मध्ये टाइप्स असतात, बर्डचं क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे किंवा तुम्हाला माहित पाहिजे. ये जो बर्ड है, डिपेंडिंग ऑन देअर पोजिशन, उनके पोजिशन पर बेस्ड दो टाइप के बर्ड्स होते हैं. एक होता है एक्सिलरी बर्ड और दूसरा होता है अपाइकल बर्ड, या फिर जिन्हें टर्मिनल बर्ड भी कहा जाता है. एक का नाम है एक्सिलरी बर्ड और दूसरे का नाम क्या है? अपाइकल बर्ड. मैं एक डायग्राम दिखाती आपको, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और वो है ये वाला डायग्राम. देखो ये प्लांट है, तो यहां पे ये जो एक्सिल है, ओके, ये एक्सिल लीफ के एक्सिल में अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड. और अगर वो इस स्टेम के एंड पे ग्रो कर रहा है, स्टेम के एंड पे, स्टेम च्या टोकाला किंवा अपेक्सला जर बर्ड येत असेल, तर त्याला म्हटलं जातं अपायकल बर्ड. अगर स्टेम के अपेक्स पे, एंड पे, टोकावरती जर बर्ड उगवत असेल, बर्ड निघत असेल, तर त्याला म्हणायचं अपायकल बर्ड. आणि जर बर्ड ही खाली या लीफच्या एक्झिल मध्ये इथे कुठेतरी डेव्हलप होत असेल, तर त्याला म्हणायचं एक्झिलरी बर्ड. काय म्हणायचं? एक्झिलरी बर्ड. आणि 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 हा जो एक्झिलरी बर्ड आहे,
हा या एक्झिल आहे मध्ये. आणि मी एक पहिले काय सांगितलं की एकतर स्टेमच्या टोकाला पाहिजे किंवा किंवा इथे जर का एखादी ब्रांच असेल, इथे जर का एखादी ब्रांच असेल सपोज अशी, अशी ब्रांच आली तर या ब्रांचच्या टोकावर पण जर बड येत असेल ना पोरांनो, सपोज इथं पण बड येत असेल, दिस इज द बड, तर इथं पण बड येत असेल तर इला पण अपायकल किंवा ऍक्झिलरी बड असं म्हटलं जातं. मतलब जो बड जी कळी एखाद्या ब्रांचच्या एंडला असेल किंवा स्टेमच्या एंडला असेल तिला म्हणायचं अपायकल बड, आणि जी बड ही या लिफ्टच्या ऍक्झिल मध्ये असते तिला म्हणायचं ऍक्झिलरी बड. हे झालं क्लासिफिकेशन कशावर बेस्ड. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के पोजिशन पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है. अब दूसरा एक और उनका क्लासिफिकेशन होता है कि बर्ड आगे जाके क्या डेवलप करेगा. हमने अब तक क्या देखा कि बर्ड अगर यहां पर है तो ये एक्सिलरी हुआ, और बर्ड अगर यहां पर है तो ये अपाइकल हुआ, वो ब्रांच के एंड पर भी अगर है तो अपाइकल हुआ. अपाइकल बर्ड का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल. अपाइकल अपेक्स म्हणजे वरचं टोक ना, अपेक्स म्हणजे टोक, तर अपाइकल बर्ड ह्या अपेक्सला असतात त्यांनाच टर्मिनल बर्ड असं म्हटलं जातं. सो दीज आर दी अपाइकल बर्ड. आणि त्याच्यानंतर पोरांनो एक सवय आत्ताच ठेवायचं, लेक्चर संपलं, लेक्चर मध्ये तुम्हाला मी एनसीआरटीच्या पेज सहित सांगतो की या पेजवर हे दिलेलं आहे, हे एनसीआरटी मध्ये नाही दिलेलं ते लिहून घ्यायचं, ते नोट्स मध्ये दिलंय, हे सगळं तुम्हाला सांगितलं जात आहे. तुम्हाला सवय काय करायची माहिती का, लेक्चर संपलं की लगेच उठून पळायचं नाहीये. लेक्चर संपलं की आज आपण कशाला सुरुवात केली, स्टेमला केली की नाही, स्टेम पूर्ण वाचून घ्यायचा. स्टेम वाचलं की तोपर्यंत पेपर येतो आपला डेली, तो पेपर सॉल्व्ह करायचा, त्याच्यातले जे डाऊट्स आहेत लगेच व्हॉट्सअप करून टाकायचे, म्हणजे दुसऱ्या दिवशीच्या लेक्चरमध्ये किंवा त्या दिवशी पण ते एक्सप्लेन होऊन जातात. ओके, दोन तीन नियम. पहिला नियम, दररोजचा अभ्यास दररोज करणे, डेली अभ्यास. सगळे विचारतात की अभ्यासाची पद्धत काय असावी, अभ्यासाच्या पद्धती हजार आहेत आणि त्या बीट टू बीट व्हॅरी पण होतात, कुठलीच एक पद्धत आयडियल नसते. म्हणजे जसं की काही गोष्टींना निमोनिक लागतात तिथं निमोनिकच लागतात, काही गोष्टींना कॉन्सेप्ट लागतात तिथं कॉन्सेप्टच लागतात, काही गोष्टींना रटावं लागतं तिथं रटावंच लागतं. ओके, तर बीट टू बीट गोष्टी व्हॅरी होतात, अभ्यासाची एक पद्धत नसते. दुसरी बात ये है कि जितने ज्यादा एग्जाम्स आप सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पेपर्स या क्वेश्चंस के थ्रू आप जाओगे, उतना कंटेंट आपका प्रॉपरली कैटेगराइज होते जाएगा ब्रेन में, उतना कंफ्यूजन दूर होता जाएगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे उतना डर भी कम होते जाएगा आपका एग्जाम के बारे में. तीसरी और सबसे जरूरी बात कि मैं कह रहा था कि पढ़ाई के तरीके कुछ भी होने दो, लेकिन एक रूल मैंने आज तक देखा है कि जितने भी लोगों ने फॉलो किया उनका रिजल्ट आ जाता है, और वो ये है कि हर रोज की पढ़ाई हर रोज करना. मतलब मंडे टू सैटरडे तक अगर आप लेक्चर का कंटेंट, लेक्चर होने के तुरंत बाद अगर पढ़ रहे हो और उसके ऊपर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो मंडे टू सैटरडे तक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे. और संडे को जो टेस्ट है उसके लिए आपको पहले से लास्ट तक का रिवाइज करना होता है, वो रिविजन होते जाता है, और ऐसे बहुत सारे रिविजन होते 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 जब फाइनल पेपर आएगा तो आपका कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा. मतलब शेड्यूल जो हमने डिजाइन किया है वो परफेक्ट है इस 6 महीनों के लिए. और ये दिमाग से निकाल दो कि 6 महीने है, होगा नहीं होगा, 110% होगा. अगर आप इस शेड्यूल में रहोगे ना तो 110% होगा ही, सवाल ही नहीं आता ना होने का. ओके, क्योंकि इतने पेपर्स कंडक्ट होने वाले हैं आपके. और कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सर पीसीबी का, तो पीसीबी का भी 720 का टेस्ट सीरीज होगा. जो बच्चे लास्ट ईयर थे उनको पता है हमने 3 टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए थे. मतलब प्रॉमिस एक का किया था लेकिन लॉकडाउन बढ़ते गया तो फेज 2 आया, फेज 3 आया, ऐसे 3 टेस्ट सीरीज कंडक्ट हुए. तो बात यह है कि पेपर बहुत सारे हो गए, खाली डरो मत पेपर से. बहुत से लोग जो है उनको लगता है कल सॉल्व करेंगे, उनको लगता है नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, कल और नेक्स्ट नहीं आते. नेक्स्ट आया भी तो पहला पेपर और उसमें के क्वेश्चन गए आपके. ओके, क्योंकि दूसरे पेपर में नेक्स्ट और नए क्वेश्चंस होते. ह्या गोष्टी जे फॉलो करतील तुम्हाला या टेस्टमध्ये तुमचा परफॉर्मन्स कोणीच नाही बघणार. आणि लक्षात ठेवा, नीट जे आहे तो टॉप आहे. नीट वर डायरेक्ट कोणी लँड नसतं होत त्या टॉपला, त्या डोंगराच्या शिखरावर येते. तुम्हाला एक एक पायरी करत वरती जातात जावं लागतं. आणि ये जो एक एक स्टेप होता, ये क्या, ये हर रोज का एक एक जो एग्जाम आपका हो रहा है ना, ये एक एक स्टेप है. डरो मत. ओके, सो पेपर जो है वो हर रोज के, हर रोज सॉल्व करो, उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देना है. ओके, एक्यूमुलेट नहीं होना है, होने देना है ना पेपर को ना सिलेबस को. ओके, तो चलो भाई, ये है कौन सा, एक्सिलरी बर्ड, ये अपाइकल या टर्मिनल बर्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये दो टाइप्स हो गए. अब है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर बेस्ड दो टाइप्स होते हैं बर्ड्स के, वो किस चीज में डेवलप हो रहे हैं, वेजिटेटिव बर्ड एंड रिप्रोडक्टिव बर्ड, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड वो होता है जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में या नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। मतलब अगर ये बर्ड कोई ब्रांच बना रहा है, अगर ये बर्ड कोई लीफ बना रहा है, मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर बना रहा है तो उसे वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है। और जो बर्ड जी कड़ी फ्लावर मध्ये डेवलप होते, पोरांनो फ्लावर मध्ये, तिला काय म्हणायचं, रिप्रोडक्टिव्ह बर्ड। आता पोरं बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल, सर फ्लावरचा रिप्रोडक्शन, त्याला रिप्रोडक्टिव्ह का म्हणायचं फ्लावर मध्ये डेव्हलप झाल्यानंतर, कारण फ्लावर हे बनलेलंच रिप्रोडक्शन पर्पज साठी असतं प्लांट मध्ये। फ्लावर मध्ये जे अँड्रोशियम गायनोशियम असतात तिथे मेल आणि फिमेल गॅमेट्स बनत असतात रिस्पेक्टिवली। सो फ्लावर प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और वो जिस बर्ड से डेवलप होता है उस बर्ड को, उस फ्लोरल बर्ड को रिप्रोडक्टिव बर्ड कहा जाता है, और जो बर्ड लीफ या ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं उनको वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है। फिर से बना रहा हूं चार्ट, अब आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। मैंने कहा था कि हम एनसीईआरटी का लाइन है कि स्टेम पर लीफ ब्रांचेस फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली डेवलप नहीं होते, ये बर्ड फॉर्म में अराइज होते हैं। और जब इनमें से कोई भी बर्ड फॉर्म में अराइज होता है तो, या फिर ये जो बर्ड होते हैं ये बर्ड के टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन दे आर आइदर अपाइकल और टर्मिनल, सॉरी अपाइकल और एक्सिलरी, अपाइकल और एक्सिलरी, अपाइकल को टर्मिनल भी कहा जाता है, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे फॉर्म दे आर आइदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव बर्ड्स फ्लावर्स में डेवलप होते हैं, ये लीफ या ब्रांच जैसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब एक कॉन्सेप्ट है वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये बहुत ही जरूरी है, या इसका एक क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट है एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये देखो एडवेंटिशियस रूट्स भी हमने कल देखा था, आज हम एडवेंटिशियस बर्ड्स देखते हैं। ये जो एडवेंटिशियस वर्ड है इसका मतलब पक्का समझ लो कि नॉर्मली जो चीज जहां से आनी चाहिए वहां से नहीं ओरिजिनेट होती है, जब भी कोई चीज उसके नॉर्मल ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होती है उसके सामने एडवेंटिशियस लगता है। जैसे कि रूट को आना चाहिए, अराइज होना चाहिए रेडिकल से, जब वो रेडिकल से नहीं आता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाता है उसको एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। वैसे ही बर्ड को नोड से डेवलप होना चाहिए, बर्ड जो है वो नोड से आती है, लेकिन अगर नोड से बर्ड नहीं आए तो, मतलब नोड के अलावा किसी और जगह से जब बर्ड आता है तो उसे कहा जाता है क्या, एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रक्चर अदर देन नोड, नोड के अलावा किसी दूसरे स्ट्रक्चर से वो अराइज होता है। अब इसमें टाइप्स है, पहला है फोलियर, पहला क्या है फोलियर, दूसरा है काउलीन, और तीसरा है रेडिकल। फोलियर काउलीन और रेडिकल, एमसीक्यू या काउलीन वरती है, बारह जनों तो शब्दच कळत नाही। ओके तो ये ठीक से समझ लेना, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है लेकिन क्वेश्चन के लिए जरूरी है। फोलियर बर्ड, फोलियर हा शब्द कधी कुठे आला तो समजायचं लीफ आहे, तिथे लीफ शी रिलेटेड सब शब्द असतो। तो ये जो फोलियर बर्ड होता है ये लीफ से अराइज होता है, लीफ से अराइज होता है। एग्जाम्पल कल ही का है भाई लोगों, बोगेनविला, जो हमने एडवेंटिशियस रूट, ईपी ईपी फाइलस रूट के लिए जो एग्जाम्पल देखा था, अगर जिन्होंने गौर किया होगा कल उनको वहां पर बर्ड भी दिखा होगा। तो देखो भाई फाइलस रूट, इपी फाइलस रूट पे ये इपी फाइलस बर्ड जो है, इपी मतलब ऊपर, फाइला मतलब लीफ, तो इपी फाइलस बर्ड जो ये देखो यहां पर प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। सो दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन, ये किस पर प्रेजेंट है, दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ, वो लीफ से अराइज हो रहे हैं, होना चाहिए था उनको नोड से ओरिजिनेट, वो ओरिजिनेट हो रहे हैं लीफ से, इसलिए इनको फोलियर बर्ड कहा जाता है, लीफी बर्ड या फिर इपीफाइलस बर्ड कहा जाता है। ओके एग्जाम्पल क्या है ये, सॉरी ब्रायोफाइलम इज द एग्जाम्पल, नॉट बोगेन, ब्रायोफाइलम इज द एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट इज काउलीन बर्ड, काउलीन बर्ड जो है ये स्टेम से अराइज होता है, स्टेम। लेकिन अब आप कहोगे कि सर स्टेम से तो फिर नॉर्मल बर्ड जो अपाइकल एक्सिलरी वो भी तो स्टेम से आ रहे हैं, लेकिन नॉट एट द नोड, वो नोड पर अराइज नहीं होता है,
नोड पर अराइज नहीं होता है ये काउलिंग बर्ड. काउलिंग बर्ड स्टेम से ही निकलता है लेकिन नॉट एट दी नोड, वो नोड से नहीं निकलता है, और इस बर्ड को काउलिंग बर्ड कहा जाता है. एग्जाम्पल है रोज, फूल है गुलाब का, उसकी कली क्या काम की, क्या काम की है, तो एमसीक्यू के काम की है. क्या है एमसीक्यू, ये पूछा जाता है डायरेक्ट लाइन में. ओके, तो यहाँ पर फूल काम का नहीं, कली ही काम की है उसके, कि ये जो कलिया है ये कहाँ से आती है, ये नोड से नहीं निकलती है और इसे काउलिन बर्ड कहा जाता है. एग्जाम्पल इज रोज. रेडिकल, रेडिकल जो होते हैं तो मतलब रूट से अगर बर्ड निकलता है तो उसे उसे कहा जाता है रेडिकल, रेडिकुलर बर्ड या रेडिकल से निकलने वाले बर्ड. तो ये जो है एग्जाम्पल इसका है दाल बार्जिया, दाल बार्जिया, दाल भजिया नहीं है, दाल बार्जिया, दाल बार्जिया. तो ये रेडिकल बर्ड्स जो होते हैं, ये रेडिकल बर्ड्स दाल बार्जिया से डेवलप होते, दाल बार्जिया में होते हैं और वो रूट से डेवलप होते हैं. तो बर्ड अगर रूट पे है तो रेडिकल, अगर स्टेम पर नोड से, नोड के अलावा कहीं पर है तो काउलिन, और लीफ पर है तो फोलियर बर्ड. कुछ दिक्कतें हो तो आप मैसेज कर सकते हो, सर प्लीज सेंड फ्लैश कार्ड्स फॉर दिस. ओके, देन फ्लैश कार्ड्स वैसे भी हर रोज आई तो रहे भाई, तो देख नहीं रहा क्या ते फ्लैश कार्ड्स, मतलब दररोज सात साल फ्लैश कार्ड्स काय माहिती है, कारण ते पूर्ण एमसीक्यू पॉइंट्स असतात फ्लैश कार्ड्स मध्ये घेतलेले, आणि त्याच्यामधून तुम्ही रिपीटेडली गेले असं उगस टाइमपास करत असताना, चहा घेताना, जेवण करत असताना फ्लॅश कार्ड्स असे पुढे पुढे सरकवले की खूप कंटेंट तुमचं हे होतं. एक मोबाईल मध्ये फोल्डर बनवायचं फ्लॅश कार्ड साठी, कारण नंतर पूर्ण गॅलरी मध्ये असलं तर कळत नाही. फोल्डर मध्ये टॉपिक वाईज फ्लॅश कार्ड्स अरेंज करायचे. ओके, की सगळं मीच सांगणार आहे तुम्हाला, म्हणजे नंतर लास्ट मिनिट रिव्हिजनला कामाला येतील हे सगळे फ्लॅश कार्ड्स. कळालं का, त्या फ्लॅश कार्डचं कंटेंट व्ही 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 आय एम पी असतं, जे एमसीक्यू लाईन्स डायरेक्ट हायली कॉन्सन्ट्रेटेड कंटेंट असतं त्या फ्लॅश कार्डचं. तर मोबाईल मध्ये एक सेपरेट फ्लॅश कार्डचं फोल्डर करायचं, फोल्डर मध्ये टॉपिक वाईज फोल्डर करून ते फ्लॅश कार्ड सेव्ह करायचे, अरेंज करायचे, म्हणजे शेवटी कुठेही तुम्ही प्रवासात असले, काहीही करत असले, मोबाईल वरती लगेच ते फ्लॅश कार्ड, फ्लॅश कार्ड पुढे पुढे सरकवले की त्याच्यावर भरपूर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स तुमचे कवर होतात. तो चलो भाई, इसमें कुछ दिक्कत, अगर लीफ पर है तो फोलियर, स्टेम पर है तो काउलिन, और अगर रूट पे है तो रेडिकल. आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है स्टेम के फंक्शन की. क्या फंक्शन होंगे स्टेम के, फंक्शंस ऑफ स्टेम. तो फंक्शंस उसको देखते ही समझ में आते हैं वैसे भी. ये आपके एनसीईआरटी का टिपिकल प्लांट का डायग्राम है. ये स्टेम है, पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. तो इसमें क्या होता है, ये लीफ को, मतलब लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, साथ ही साथ ब्रांचेस को भी अटैचमेंट दे रहा है. इट गिव्स अटैचमेंट टू लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस. कुछ याद करने की जरूरत है कि ये स्टेम का फंक्शन नहीं है. सेकेंड, इसमें फूड स्टोर्ड होता है, मतलब फूड का स्टोरेज करने का काम करता है. साथ में जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे इसके बाद, तो ये आपको सबको पता भी है कि स्टेम से जाइलम और फ्लोएम नाम के वास्कुलर बंडल्स रन होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. एंजियोस्पर्म्स मध्ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जे असतात ते रूट पासून स्टेम पर्यंत असे कंडक्ट करत असतात, कशाला, खालून वरती पाण्याला आणि वरतून खाली फूडला. तर पॉइंट इज दैट कि ये जो स्टेम है इसमें से जाइलम और फ्लोएम रन हो रहा है जो कि वाटर और फूड कंडक्ट करते हैं, साथ ही साथ फोटो, मतलब फूड में वो फोटोसिंथेसिस में जनरेट हुआ ही फूड होता है. सो दे कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स, ऐसा वर्ड यूज हुआ है वहां पे. तो फोटोसिंथेट्स मतलब इस लीफ में बना हुआ वो फूड जो बाकी पार्ट्स के लिए कंडक्ट करना है. वो कौन कहाँ से कंडक्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम से कंडक्ट होता है. वो वस्कुलर बंडल इस स्टेम में होते हैं. सो स्टेम लीफ, फ्लावर, फ्रूट और ब्रांचेस को अटैचमेंट दे रहा है. इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स. साथ ही ये प्लांट बॉडी को ऊपर रखता है तो बाकी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं ग्राउंड लेवल से. तो ये प्रोटेक्शन के काम में भी आता है, फूड के स्टोरेज के काम में भी आता है. यहां तक हो गया नॉर्मल स्टेम. अब बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशंस की. ये नॉर्मल स्टेम है लेकिन कुछ जगहों पे जरूरत के हिसाब में से स्टेम स्टेम के कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई लोगों. और जैसे कि हमने रूट्स के बारे में मैंने कहा था कि भाई रूट्स में भी बहुत से पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए,
वैसे ही यहाँ पर भी बहुत से पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो ये जो चार्ट्स बनेंगे अब, ये चार्ट्स यहीं पे रट लेना। अनिरुद्ध, आप बहुत हार्ड इंसान हो सर। भाई तुझे का मैं कहता हूं ना कि तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, ओके? इधर चलो भाई, स्टेम का मॉडिफिकेशन पोरांनो, जीवावर येईल, फ्रस्ट्रेशन येईल, कंटाळा येईल, नको वाटेल। आणि त्यातल्या त्यात ऑनलाईनचे लिमिटेशन्स काय माहिती का? ऑनलाईन मध्ये सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत, पण ना आपला अभ्यासाचा थॉट आला ना, आपल्याला मोबाईलकडे बघितलं आपण की आपल्याला वाटतं नको 1 तासानं, नको 1.5 तासानं, सकाळी 12 वाजले असं वाटतं नाही शार्प 1 ला सुरू करू, 1 वाजला असं वाटतं 2 ला सुरू करू, 2 वाजले 3 वाजले असं वाटतं की नाही 5 ते 6:30 लेक्चर स्टार्ट झाल्यानंतर, असं जे तुम्ही स्वतःला पोस्टपॉन करत असतात ना अभ्यास, हे कधीच संपणार नाही आहे। तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या डोक्यात हा थॉट आलेला असणार आहे, सोमवारपासनं सुरू करू, बस सोमवारपासनं। आता तर अर्धी जनता तर याच्यावर असेल, नीटचा रिझल्ट लागला ना की बस मी 24 तासापैकी 28 तास अभ्यास करणार आहे, आला होता ना विचार? 100% कितीतरी जणांच्या डोक्यात हे जे जीवावर येणं, हे जे पोस्टपॉन करत राहणं, त्याच्यानंतर सोमवारपासनं अभ्यास करणे, 1 तारखेपासनं मी अभ्यास करेल, म्हणजे आजची 20 तारीख, 1 तारखेपासनं बस 24 तासापैकी 42 तास मी अभ्यास करणार आहे। हे तुम्ही आता 12th पर्यंत आलेले आहेत आणि तुमचे हे जे प्लॅन आहेत, ओके, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, बचपन में तो सपोज 8th स्टैंडर्ड के पहले तो उतनी समझ भी नहीं होती, स्कूल में काफी कुछ हो जाता है, ये 8th के बाद काफी आपको समझ आ जाती है, और उस दौरान भी आपने ऐसे ही प्लान किए होंगे। कैसे कि मंडे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मंडे आने के बाद नहीं 10 बजे स्टार्ट करते हैं, 12 बजे, तो ये जो है ना ये एंडलेस है, ओके। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि 12th से पहले, मतलब 10th का 10th 9th 8th से 8th तक आपका पढ़ाई थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ ना, तो इधर उधर भी हुआ थोड़ा सा पढ़ाई, तो आपके जिंदगी पर उसके इम्पैक्ट नहीं थे। मतलब 9th को आप सपोज 90% से पास हो गए, और आपका कोई दोस्त 80% लाता है या फिर 95 लाता है, ना आपके लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट है ना उस दोस्त के लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट है, क्योंकि आप दोनों ही 9th से 10th में आ रहे हो। ऐसा 8th में कम परसेंटेज आए तो आप दोनों ही 8th से 9th में जा रहे हो, तो 10th से पहले रिजल्ट फ्लक्चुएट हुआ भी, अच्छा हो बुरा हो, तो कुछ ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता जिंदगी पे। इस एग्जाम का प्रॉब्लम ये है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली भी। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं और नीट क्रैक नहीं कर पाते, और आगे उनसे कोई एग्जाम ही क्रैक नहीं होता, ऐसा भी होता है पोटेंशियल होने के बावजूद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 10th तक एवरेज होते हैं, लेकिन उनका ये 11th 12th का हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है, तो वो रिजल्ट लाते तो उनकी जिंदगी सवर जाती है, मतलब 10th तक एवरेज होने के बावजूद। तो 10th तक आप एवरेज हो, 10th तक आप कैसे भी हो, दैट डजेंट मैटर। इनफैक्ट अब आपने 12th भी कंप्लीट कर लिया है, आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है, आपको ये दूसरा चांस है, तो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ जो बीत गई सो बीत गई, उस पर मतलब रोना रोने से कुछ फायदा भी नहीं है, और आप खुद की एनर्जी उसमें डालो भी मत, क्योंकि वो वेस्ट है। पॉइंट ये है कि अब आप प्लान बनाना छोड़ दो। मैं एक चीज क्लियर बोल देता हूं, पढ़ाई करना जो है ना, ये पढ़ाई बोरिंग काम है, ये सबको मंजूर है, वो बोरिंग है, करने का दिल नहीं करता है, तो फिर इस पर सॉल्यूशन क्या है? तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करके पढ़ाई को खत्म करो और किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स पे चले जाओ, यही उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। नहीं तो जितना आप पढ़ाई से भागोगे उतना लंबा ड्यूरेशन रहेगा पढ़ने का, मतलब आपने यहाँ नहीं किया तो फिर आपको आगे और ज्यादा टफ एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ना वो मंडे आने वाला है जो स्टार्ट करने वाले थे आप, ना वो 1 तारीख आने वाली है, जो कुछ है सगळ्यात शुभ मुहूर्त आज आत्ता या वेळेला आहे, आणि तुमचं मन जरी नाही म्हणत असलं ना, तर त्यालाही सांगायचं बाबा तू उद्याही नाही म्हणणार आहे, तू प्रत्येकच वेळेला नाही म्हणणार आहे, त्यामुळे फार जास्त एंटरटेन नाही करायचं स्वतःच्या फिलिंग्सला पण, त्यानं तुमचा कधीच अभ्यास सुरू होणार नाही। आज आत्ता या वेळेलाच तुम्हाला खूप जोर येईल, पण बसायचंच, आणि जर नाही केलं ना तर तुम्ही संपले संपत आहात एक एक दिवसानं, लक्षात ठेवा। तुम्ही जर नाही केलं, बरे मोजून मोजून पोरांनो, 7 महिन्याचा जर प्लॅन घेतला तर 210 दिवस,
7 महिन्याचा प्लॅन जर घेतला, त्यात पण हे किती गेलेत आता, म्हणजे 28 तारीख आहे, म्हणजे 210, म्हणजे 210 पण नाही उरले, 7 महिनेच नाही उरले ऍक्च्युली, 6 महिने 10 दिवस उरले, म्हणजे 190 डेज बचे अब एग्जाम के लिए. अगर हमने मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम अगर कंसिडर किया तो सिर्फ 190 डेज. ओके, तो काउंट दिनों पे है, मंडे का इंतजार मत करो. तो सेम के मॉडिफिकेशन, किसी का डाउट है क्लैडोट फाइलोक्लेट क्या है, आगे आगे देखो, अब वो सब कुछ आएगा जो एनसीईआरटी में है और नहीं है, दोनों चीजें. तो स्टेम के जो मॉडिफिकेशन है भाई लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक से समझ लेना. उनको 3 हेडिंग्स के अंडर डिवाइड किया है, इन मॉडिफिकेशन को 3 हेडिंग्स के अंडर डिवाइड किया है. एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. तुम्ही जर याची वाट पाहत असाल की तुम्हाला कधीतरी अभ्यास फार इंटरेस्टिंग वाटेल, तर तुम्ही चुकीचे आहात. तसं कधीच होणार नाही, ते बोरिंग आहे, अभ्यास कोणालाच इंटरेस्टिंग वाटत नाही. आणि तुम्हाला जर कोणी सांगत असेल की बाबा त्याला अभ्यासाची इतकी आवड आहे, तर तेही थोडस म्हणजे मला नाही पटत तसं. अभ्यास ही एक गरज आहे जिच्यामुळे आपल्याला चांगले एक्झाम क्रॅक करा, म्हणजे चांगले एक्झाम क्रॅक होतात जर तुमचा स्टडी प्रॉपर असेल तर, आणि चांगला एक्झाम क्रॅक झाल्या नीट सारख्या की तुम्ही चांगलं आयुष्य जगू शकता. याच्यामुळे अभ्यास करायचा आहे, अभ्यासाची आवड आहे म्हणून अभ्यास नसतो करायचा. ओके, सो कोई भी दवा खाने में मीठी नहीं होती, वो कड़वी होती है, लेकिन उन दवाओं से ही बीमारियां ठीक होती. वैसे ही पढ़ाई एक कड़वी दवा की तरह है, और सिंपल उस कड़वी दवा को लेंगे तो ये नीट नाम का जो बीमारी है, जो डिसीज जो आपको डरा रहा है, वो खत्म हो जाएगा. आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे और आपका करियर सेट हो जाएगा. ओके, सो चलो भाई, स्टेम के मॉडिफिकेशन जो है, कोणाला गरज आहे स्टेम फ्लावर फ्रूट्स काय अर्थ ज्याला माहित नाही त्याच्यावरचं, हे नॉलेज नसेल तर, अरे पण याच्यावरती एमसीक्यूज येतात ना, म्हणून फोकस करायचं आहे. आता पुढचे 10-15 मिनिट एकदम कॉन्सन्ट्रेशन. अंडरग्राउंड स्टेम याने जमीन के नीचे जो मॉडिफिकेशन है वो. दूसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन. और तीसरा एरियल मॉडिफिकेशन. पहले इन हेडिंग्स के मतलब समझा देता हूं. ये जमीन है, ये मिट्टी है, ये स्टेम है. स्टेम जो है, कभी कभी हमें लगता है कि स्टेम मतलब कभी कभी मतलब हमें ये पता है कि स्टेम जमीन के ऊपर बढ़ता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कई सारे स्टेम्स ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर जाते हैं और अंदर ग्रो करते हैं, और वहां पर अगर कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम का हो रहा है तो उसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहा जाता है. स्टेम के जो मॉडिफिकेशन प्रोस्ट्रेट होते हैं, प्रोस्ट्रेट यानी जमीन से चिपक कर होते हैं, जमिनीला लागून जे मॉडिफिकेशन असतात त्याला सब एरियल मॉडिफिकेशन असं म्हटलं जातं. सब एरियल मतलब जो हवा में नहीं है, जमीन के ऊपर है, जमीन से मतलब ऊपर है लेकिन जमीन से लगकर है, जमीन से चिपक कर है, जमिनीला लागून सरपटक जे मॉडिफिकेशन असतात त्याला म्हणायचं सब एरियल मॉडिफिकेशन. और जो हवा में है, जो हवा के साथ साथ है, जो हवा के संग संग है, उन्हें कहा जाता है एरियल मॉडिफिकेशन. तो स्टेम के मॉडिफिकेशन हमें 3 हेडिंग के अंडर पढ़ने हैं, नीचे जमीन से लग के, हवा में, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल. शुरुआत कर रहा हूं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से. ओके, तो गौर फरमाओ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पर. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन यानी जमीन के नीचे, इसमें कौन आता है? इसमें पहला आता है राइजोम. राइजोम, राइजोम आपको पता है सबको, खाली जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है उनको ये नहीं पता कि अरे इस चीज को राइजोम कहते हैं क्या. तो ये राइजोम जो है वो सॉइल के नीचे ऐसा इररेगुलरली ग्रोन स्टेम है, इररेगुलरली ग्रो करता है, जिस पर स्टेम है इसलिए नोड्स 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 और नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे इंटर नोड कहा जाता है. साथ ही साथ यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं, मतलब ये स्टेम से निकल रहे इसलिए इन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है, क्योंकि स्टेम कुछ रेडिकल से नहीं निकलता ना. तो पॉइंट ये है कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड है उसे हम मतलब जमीन के नीचे उसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहते हैं. उसमें पहला है राइजोम. राइजोम क्या है? तो जमीन के नीचे स्टेम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्रो करता है, उस पर नोड इंटर नोड होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं. पता है कौन ही? बहुत से लोगों को पता होगा, पण त्यांची ज्यांच्या मागच्या वर्षीचे पाप जास्त आहे त्यांना आता सांगावं लागेल की ते कोण आहे, कौन है वो, कौन है और कहां से है वो आया. तो वो स्टेम है और कहां से आया है? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम से आया हुआ ये जो मॉडिफिकेशन है, काय रही, व्हाट इज दिस, दिस इज द जिंजर.
ओके, जिंजर भी ऐसा ही होता है। और दूसरा टर्मेरिक, हळद। हळद आपण पावडर फॉर्म मध्ये बघतो, पिवळी हळद बघतो आपण, ओके। पण हे जे आहे ना टर्मेरिक, ज्यावेळेला तुम्ही शेतात ज्यांच्या ज्या भागांमध्ये कल्टिवेशन होत असेल त्यांना माहितही असेल, आपल्याकडे आपण हळद पावडर फॉर्म मध्ये बघतो, पण ऍक्च्युली ती उगवते कशी, तर ती अशी असते रायझोमच्या फॉर्म मध्ये, अंडरग्राउंड स्टेम का ये मॉडिफिकेशन है। इस पर ये देखो, ये जो लाइन है, ये नोड है, और नोड के बीच में इंटर नोड है, और यहाँ पर ना नोड से ऐसे छोटे छोटे स्केल लीफ, मतलब क्या स्केल लीफ, मतलब ऐसे छोटे छोटे डिजेनरेटिंग, या फिर डिजेनरेटिंग कह सकते हैं, या फिर उसे ऐसे छोटे स्मॉल पुअरली डेवलप्ड लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वहां पर। साथ ही साथ इन पर एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं, अदरक यूअर, ओके, बगितले तुम्ही सर। कोई पूछ रहा है कि सर स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी है क्या, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, वहां पर उसका कहना है कि डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी से ज्यादा है, तो अननेसेसरी कंटेंट पढ़ने का भी कुछ मतलब नहीं आता, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ो। तो उसके लिए एनसीईआरटी के साथ सिर्फ नोट्स पढ़ना है हमारे, ओके, नोट्स पढ़ना है। स्टेट बोर्ड में बहुत, मतलब कुछ कंटेंट है जिसकी जरूरत भी नहीं है, ओके, और जो वो मैं प्रोवाइड करूंगा, और आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या एनसीईआरटी से लेना है, क्या एनसीईआरटी में के बाहर जो एनसीईआरटी में नहीं है वो, लेकिन आपको बताना है वो सब कुछ मैं हूँ यहाँ पे करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और याद करना है और रिवाइज करना है, बाकी टेंशन मत लो आप। चलो भाई, तो ये जो राइजोम है इसमें पहला एग्जाम्पल है जिंजर का और दूसरा एग्जाम्पल है टर्मेरिक का। जिंजर आपको समझ में आ जाता है, लेकिन टर्मेरिक बहुत से लोगों ने देखा नहीं होता है, उनको वो पाउडर फॉर्म में देखने की आदत होती है, ओके, तो ये ऐसा ही होता है। देन दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, तो दूसरा मॉडिफिकेशन है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स कॉन्सेप्ट, ये स्टेम है, ये सॉइल है, जमीन के नीचे आने पर स्टेम से ब्रांचेस निकलते हैं। स्टेम से क्या मिलते हैं, निकलते ब्रांचेस, तो ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस हो गए, और इन अंडरग्राउंड ब्रांचेस के जो एंड से वो फूड स्टोर कर, अब ऊपर से सिंथेसाइज किया हुआ फूड यहां तक आ रहा है, आगे जाने के लिए जगह नहीं, तो ये जो एंड है वो सोलन हो जाते हैं। दीज आर दी सोलन एंड्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स। फिर से बता रहा हूं, स्टेम जमीन के नीचे ग्रो करता है, उसके ब्रांचेस निकलते हैं, और ये जो ब्रांचेस है इनके जो एंड्स है ये एंड्स फूड स्टोर करने की वजह से बड़े बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आया फूड हर ब्रांच में गया, लेकिन आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो एंड जो है वो फुल रहे, क्योंकि वहां पर क्या स्टोर हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है, और इसे कहा जाता है स्टेम ट्यूबर। ये भी आप लोगों को पता है, आप लोग इसे खाते हो, सिर्फ उसे स्टेम ट्यूबर कहते हैं, ये याद रखना है। कौन है ये, तो ये है आप सबका लाडला। कौन है वो आप सबका लाडला, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज द पोटैटो, दिस इज द मैक्सिमम साइज। सो ये जो पोटैटो है भाई, देखो ये अंडरग्राउंड स्टेम के ब्रांचेस और उसके एंड्स जो सोलन हुए हैं, क्यों सोलन हुए, क्योंकि ऊपर से नीचे फूड आया और वो स्टोर हो गया, तो ये जो बटाटे अस्तात पुरानो बटाटे, तर ये आलू, आलू ले लो, तो ये आलू ले लो, अगर किसी ने कहा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, आलू बोलते ही इसके बाद आना चाहिए ये आलू नहीं, ये क्या है, स्टेम ट्यूबर है, ओके। तो ये स्टेम ट्यूबर क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांचेस के सोलन पार्ट्स है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर पोटैटो देखोगे आप, तो ये नोड्स होते हैं जहां से ये बड़ आते हैं, स्टेम ट्यूबर वरती जे आईज म्हणतो ना आपण, तर ते नोड पासून आलेल्या बड्स असतात। आणि दुसरं रायझोम मध्ये, रायझोम पण अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आहे, आणि पोटॅटो ट्यूबर पण, म्हणजे स्टेम ट्यूबर पण अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आहे। एमसीक्यू है, याद रखना कि दोनों में फर्क क्या है। मैंने वहां पे दो बार कहा था कि यहाँ पे ना एडवेंटिशियस रूट्स है जो कि यहाँ पे नहीं होते, मतलब ये पॉइंट रट लेना, वहां पे लिख लेना कि स्टेम ट्यूबर और राइजोम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होते हैं जो कि राइजोम में, यानी वो हल्दी है या फिर वो जिंजर है, अदरक है, तो उनमें वहां पर रूट्स होते हैं, यहाँ पर रूट्स नहीं होते, ये लाइन लिख लेना वहां पे, ये क्वेश्चन लाइन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम ट्यूबर्स। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं,
तीसरा जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बल्ब, ये तो आप हर रोज ही खाते हो, मतलब आप जो मतलब हर रोज जो सब्जी खाते हो उसमें भी ये होता है, या फिर सब्जी के साथ ऊपर से खाने के लिए भी बहुत से लोग लेते हो, क्या है ये बल्ब? तो बल्ब में दो चीजें आती है भाई लोगों, एक होता है अनियन और दूसरा होता है गार्लिक, लेकिन दोनों में अलग अलग मतलब सब टाइप से। अनियन जो है वो स्केली बल्ब है, स्केली बल्ब, ओके, स्केली बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, एंड ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल है गार्लिक, लसुन। ट्यूनिकेटेड का म्हणतात, स्केली का म्हणतात ते सांगतो, आता बल्ब काय असतं? तर बल्ब इज अंडरग्राउंड, हम अंडरग्राउंड में ही है अभी, हाँ जमीन के नीचे है हम, तो अंडरग्राउंड मातीत आहे तुम्ही, तर जमीन के नीचे कांदा कधी ओला कांदा बघा शेताकडे लावतात लोक, आणि शेतात खायला गेले की ते ओला कांदा उपटून आणतात, मग त्याला माती लागलेली असते, केलाय का प्रकार कधी? हा निसर्गात जाऊन कधी जात चला। तो ये है बल्ब। बल्ब क्या होता है? तो ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। आता इथं ना दोन गोष्टी येणार आहे पोरांनो, हा जो कांदा असतो याच्यामध्ये इथं जे असतं जे आपण कापून टाकतो ते ऍक्च्युअली डिस्क लाइक स्टेम असतं, म्हणजे बल्ब या ये जो अनियन है ये दो बार आएगा, लीफ के मॉडिफिकेशन में भी आएगा और स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी आएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें स्टेम क्या है। तो भाई चलो, जसं आपल्या आसपास मी म्हणतो ना ऑब्झर्वेशन आणि त्या गोष्टी, आपल्या आजूबाजूलाच बघा पोटॅटो, अद्रक, आता तुम्ही ते बघतानाच त्या अद्रकीला काय म्हणून बघणार आहात? रायझोम। पोटॅटो म्हटलं की स्टेम ट्यूबर, कांदा म्हटल्यावर काय? बल्ब। तर ये देखो भाई, पहले ये डायग्राम देखते हैं, ये है अनियन और ये है गार्लिक, इसमें स्टेम कौन सा है? तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जिसे हम काट देते हैं, दिस इज द स्टेम, दिस इज द स्टेम, और इसके ऊपर ना मैंने कहा था कि ये दोबारा आएगा, दो बार आएगा, तो इसमें ये स्टेम है और ये ऊपर जो है वो लीफ है, ये क्या है? लीफ, लीव्स है ये सारे के सारे, तो ये लीव्स के मॉडिफिकेशन है, लीफ के मॉडिफिकेशन है, और यहां पर ये अनियन का भी वैसा ही है, यहां पर ये नीचे क्या है? स्टेम है। तो स्टेम ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेम, और इससे निकलने वाले ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो रूट्स है एक्चुअली, ओके okay? तो यहां पर जो डिस्क होती है वही उतना ही स्टेम है, उससे निकलने वाले ये रूट्स है, उसके ऊपर लीव्स है, ये लीव्स भी मॉडिफाइड है, रूट्स जो है वो एडवेंटिशियस है क्योंकि वो स्टेम से निकल रहे हैं। कॉन्सेप्ट कळतोय का मला? काय सांगायचं कळतंय तुम्हाला? ओके okay? कि कांदा हा पूर्ण स्टेम नाहीये पोरांनो, हे वरचं जे है ना हे लीफ है, जे आपण वरचं हे काढून टाकतो लाल, त्याच्यानंतर जे खातो आपण ऍक्च्युअली कांद्यातलं वो सारे के सारे लीव्स है वो, और इसीलिए ये अनियन दोबारा आएगा आपको, लीफ के स्ट्रक्चर में भी दोबारा दूसरी बार आएगा, और यहाँ पे ये जो डिस्क होती है वो स्टेम है, उससे निकलने वाले ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स है। अब मैं जस्ट ये कटा हुआ प्याज है, ओके, काटने के बाद अब देखो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ना दिस इज द स्टेम, इससे निकलने वाले ये कौन है? दिस आर द रूट्स, और यहां से ये कौन है? लीव्स है। सो ये रूट से ही लीव्स है, लीव्स में जो बाहर से होते जिनको हम निकाल देते खाते नहीं है वो ड्राई लीव्स होते हैं, ओके, और उसके अंदर ये फ्लेशी लीव्स होते हैं, और ये फ्लेशी लीव्स मॉडिफाइड है क्योंकि आमतौर पे लीफ बोलने पर आपके सामने ग्रीन आ जाता है कुछ तो भी नजर में आपके जहन में, लेकिन यहां पर तो ये अलग है ना, ये लीफ जैसा थोड़ी ना दिख रहा है, तो ये मॉडिफाइड लीव्स है फूड स्टोर करने के लिए प्याज में। सो ये मॉडिफाइड फ्लेशी लीव्स है, उसके बाहर वो ड्राइड लीव्स है, ये डिस्क है उससे रूट्स निकल रहे हैं, सो दिस इज द बल्ब, और जहां पर ऐसे फ्लेशी लीव्स होते हैं वो होता है स्केली बल्ब, और जहां पर बबलेट्स होते हैं, बबलेट्स म्हणजे लसणामध्ये कांडे असतात ते आपण जो काढून त्याला लसणामधला जो पार्ट खाण्यासाठी वापरतो तो उसे बबलेट्स कहा जाता है। तो जो बबलेट्स है जिस बल्ब में बबलेट्स होते हैं उसे ट्यूनिकेटेड बल्ब कहा जाता है, और जिसमें ये ऐसे लीव्स होते हैं उसे स्केली बल्ब कहा जाता है। ओके, इतपर्यंत मला असं वाटतं क्लियर झालं असेल। यस यस ओके, चलो भाई, तो भूलना मत खाली, हाँ भूलना मत। नो नो नो, अनियन जो है अनियन में ये एडवेंटिशियस रूट है और ये स्टेम है, ये डिस्क स्टेम है, इसके ऊपर ये फ्लेशी लीव्स है,
सो यहां तक खत्म होता है बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल कौन है? दो एग्जाम्पल है बल्ब के, एक होता है अनियन जो स्केली बल्ब है और दूसरा होता है गार्लिक जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है। अब तीसरा कॉर्म, कॉर्म पुरानो कॉर्म दोन वेळा म्हणा कॉर्म। ओके जर कॉर्म म्हटले नाही तर हे न म्हणण्याचे तुम्हाला कर्माची फळ नीटला मिळतील, लक्षात ठेवा कॉर्म। ओके हे जे कॉर्म है ना हे अंडरग्राउंड स्टेमचं मॉडिफिकेशन आहे ज्याच्यावरती असे सर्क्युलर सर्क्युलर नोड्स असतात आणि त्याच्यामध्ये इंटर नोड्स असतात, तो ऐसे सर्क्युलर नोड्स वाला अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन उसे कहा जाता है कॉर्म। और इस कॉर्म के दो एग्जाम्पल है। ओके एक होता है जमीन कंद, जमीन कंद जिसको अमॉर्फो फैलस भी कहा जाता है, अमॉर्फो फैलस या जमीन कंद। और दूसरा है कोलोकैसिया, कोलोकैसिया। तो अमॉर्फोफैलस यानी कि जमीन कंद और दूसरा कौन है कोलोकैसिया, कोलोकैसिया दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एमसीक्यू है। और जमीन कंद का दूसरा नाम भी याद रखना है अमॉर्फोफैलस, अमॉर्फोफैलस। ओके देन ये जमीन कंद है, एक बार देख लेते हैं ये यहां पर कॉर्म है भाई लोगों, दिस इज द कॉर्म। इस पर ये दिख रहे हैं अरे सर्कुलर लाइंस, ये पूरा सर्कल फॉर्म करेंगे। सो दीज सर्कुलर लाइंस आर नथिंग बट दी नोड्स, वो नोड्स है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये कॉर्म हो गया। ये देखो ये अंडरग्राउंड, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज द कॉर्म, इसे कहते हैं कॉर्म, जमीन कंद अमॉर्फोफैलस और दूसरा क्या है कोलोकैसिया। अब देखो तीसरा एंड सॉरी लास्ट वाला, लास्ट क्या है इसमें, तो लास्ट है सकर। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में लास्ट इज सकर। सकर क्या होता है, तो देखो भाई ये कोई प्लांट है, इसका स्टेम अंडरग्राउंड है, इस अंडरग्राउंड स्टेम से एक जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच किसी पॉइंट पर आकर ऊपर आ जाती है और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है सकर। ये वाला नीचे से जो जा रहा है सकर, तो सकर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। और इन सकर्स में क्या कह रहा हूं मैं कि जमीन के नीचे से एक हॉरिजॉन्टली ऐसा ब्रांच जा रहा है और वो किसी पॉइंट पे आके ग्रो कर ले रहा है। नए प्लांट में, सो दिस इज द सकर, इसे कहते हैं सकर। ओके एग्जाम्पल याद कैसे रखने इसके, तो सकर में आपको अभी याद रखना है कि आपके दिमाग को क्या सक करता है, अब आपके दिमाग के सकर कौन है, तो सकर्स ऑफ योर दिमाग योर ब्रेन आर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी। तीनों सब्जेक्ट नहीं होते तो जिंदगी अलग होती है आपकी, आपके दिमाग को ये तीनों सब्जेक्ट अभी सक कर रहे हैं। तो सकर्स ऑफ योर ब्रेन राइट नाउ आर दी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पी से याद रखना है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। सी से याद रखना है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। एंड बी से याद रखना है जो एमसीक्यू भी है आया हुआ बनाना, बनाना। तो पीसीबी आर दी सकर्स ऑफ योर ब्रेन और पी इज फॉर पाइनएप्पल, सी इज फॉर क्राइसेंथेमम, बी इज फॉर बनाना, बनाना। ये तीनों याद रखना है। देन ये हो गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एक बार देख लेते हैं सकर जो है ये जो है ये सकर है, ऐसे अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है, जमीन के नीचे है और एक एक पॉइंट से ऐसे प्लांट्स निकल रहे हैं। सो दिस इज द सकर, बाकी तरफ मत देखो वो अभी आने वाले, वो सब एरियल मॉडिफिकेशंस के डायग्राम है। अब हम यहां पर हमने कंप्लीट किया क्या, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जमीन के नीचे के जो मॉडिफिकेशन है वो। तो चलो भाई जमीन के नीचे कौन कौन है, देखो स्टेम के तीन मॉडिफिकेशन, उसमें से हमने अंडरग्राउंड अभी कंप्लीट कर लिए, सब एरियल और एरियल बचे हुए है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पहले क्या था, राइजोम, याद करने की कोशिश करो राइजोम का डायग्राम, जिसमें एक था जी इज फॉर जिंजर और दूसरा था टी इज फॉर टर्मेरिक। ओके उसके बाद दूसरा था स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर म्हटलं तर चिप्स आठवायला पाहिजे, बटाटे आठवायला पाहिजे। सो स्टेम ट्यूबर्स क्या होता है,
अंडरग्राउंड जो ब्रांचेस होते हैं स्टेम के, उनके एंड्स जो है वो सोलन हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं फूड स्टोरेज की वजह से, उन्हें कहा जाता है स्टेम ट्यूबर्स। तीसरा क्या है, बल्ब। बल्ब है कांदा लहसुन, ओके। बल्ब जो है वो अंडरग्राउंड डिस्क लाइक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिस पर ऊपर लीव्स होते हैं और नीचे एडवांटेजियस रूट्स भी होते हैं। देन सकर, एक अंडरग्राउंड ब्रांच जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के नए प्लांट में ग्रो कर रहा है। सकर का एग्जांपल पीसीबी, ओके, क्योंकि पीसीबी आपके दिमाग को शक कर रहे हैं, कौन है वो, पी फॉर पाइनएप्पल, एस फॉर सी फॉर क्राइसेंथेमम, एंड बी इज फॉर बायोलॉजी, नहीं बनाना, ओके। यस यस कृष्णा, ते सांगणार आहे मी तुम्हाला नंतर परत सेपरेट, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, अब बचा कौन, दो, सब एरियल एंड एरियल। तो सब एरियल ब्रांचेस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस। तो सब एरियल मतलब जमीन से चिपक के चलने वाले। तो इसमें तीन चीजें आती है भाई, एक अगर ऐसा, हे नीट लक्ष द्या, हे असं जर एखादी ब्रांच ग्रो करत असेल आणि त्याच्या प्रत्येक नोड वरनं वरती क्राउन लाइक स्ट्रक्चर येतं, खाली रूट्स येतात आणि नंतर ते प्लांट मध्ये डेव्हलप होत आहे। ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नीचे रूट्स डेवलप हो रहा है हर नोड पे, ऐसे नीचे रूट्स ऊपर क्राउन लाइक, और बाद में इससे प्लांट बन रहे हैं। तो इस टाइप की ब्रांच को कहा जाता है रनर। इसे क्या कहते हैं, रनर। रनर हॉरिजॉन्टली प्रोस्ट्रेटली जमीन से चिपक के ये चल रहा है, और इसमें ये ऐसा जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जिसमें हर नोड से ऊपर शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, नीचे रूट सिस्टम, हर नोड से ऊपर शूट सिस्टम, नीचे रूट सिस्टम, तो इसे कहा जाता है रनर, ओके। और रनर में कौन है, रनर में है ओजी, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी। ओ इज फॉर ऑक्सैलिस, ओ इज फॉर ऑक्सैलिस। देन जी इज फॉर लॉन ग्रास, लॉन में जो ग्रास होती है वो रनर से ग्रो करती है, और इस पर क्वेश्चन भी है, ओके। सो O is for oxalis, G is for lawn grass. Grass है कौन सा, हम जो lawns में grow करते हैं वो lawn grass क्या है, it multiply or it propagate by the runner, okay, runner. अब मैं दूसरे दो डायग्राम भी मतलब एक साथ ही ड्रॉ कर लूंगा ताकि आपको वो फर्क समझ में आए क्या है। तो देखो, अगर कोई ब्रांच, देखो ये स्टेम है, ये जमीन है, नीचे के नोड से निकल के ऐसा हॉरिजॉन्टली जमीन पर ही ग्रो कर रहा है और हर नोड से एक प्लांट ग्रो करता है, उसे क्या कहते हैं, हम रनर कहते हैं, ओके। दूसरा स्टोलॉन, स्टोलॉन में रनर में क्या फर्क है, स्टोलॉन और रनर में फर्क क्या है, तो ये स्टोलॉन जो है ना भाई, वो भी ऐसे नीचे वाले नोड से अराइज होता है, लेकिन ये ब्रांच पहले ऊपर जाती है ऐसे, सुई उई सुई पुई, आणि असं खाली आली की तिथं काय होतं, जमिनीला टच झाल्यावर तिथं नवीन प्लांट येतं, असं वरती चालली आहे, म्हणजे असं तिथं आर्च फॉर्म होतीये, ओके। स्टोलॉन जो है वो आर्च फॉर्म कर रहा है, आर्च, ऐसा रनर की तरह तरह सीधा जमीन से लग के नहीं ग्रो करता वो, इट फॉर्म्स द आर्च, मतलब नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा और जमीन को टच करके नया प्लांट बना लेगा, इसे कहते हैं स्टोलॉन, इसे कहते हैं स्टोलॉन। स्टोलॉन का एग्जाम्पल कौन है, मिंट, मिंट, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। मिंट, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोलॉन। वो किसके एग्जाम्पल है, स्टोलॉन के एग्जाम्पल है मिंट, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। और तीसरा, हम इमेज देखने से पहले तीसरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑप्सेट। ऑप्सेट क्या है, तो जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं ना भाई लोगों, ये देखो पानी में जो प्लांट ग्रो करते हैं, सॉरी मिट्टी निकाल ली मैंने, तो ये जो पानी है, आज ब्लू है पानी, पानी पानी, ये जो ब्लू पानी है इसमें ग्रो करने वाला, सपोज ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है, इस प्लांट से एक सिंगल इंटरनोड लॉन्ग, मतलब यहां पर एक सिंगल इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच निकलती है और वो नया प्लांट दे देती है। तो जो सिंगल इंटरनोड लॉन्ग
रनर होता है एक्वेटिक प्लांट में, पानी में रहने वाले प्लांट में, उसे कहते हैं ऑफसेट। सो ऑफसेट इज लाइक अ रनर, लेकिन रनर जमीन पर रन कर रहा है, ऑफसेट पानी में पानी के ऊपर रन कर रहा है। दूसरा रनर जो है वो कई ज्यादा इंटरनोड या कई काफी ज्यादा लॉन्ग होता है, वही ऑफसेट जो होता है वो ऑफसेट एक सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होता है। ऑफसेट इज जस्ट वन इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर, वही रनर इज काफी ज्यादा लॉन्ग है। इट इज मतलब बहुत सारे नोड होते हैं इसलिए बहुत सारे प्लांट आते हैं, ये सिंगल इंटरनोड लॉन्ग है। अब इमेज देखते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन पहले इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में याद रखना है जो पानी में ग्रो करते हैं, और ये जो नाम आएगा वो बार बार आएगा, ओके, बार बार आएगा, जिसका नाम है वाटर हायसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, जिसका दूसरा नाम है इकॉर्निया, इकॉर्निया, और दूसरा नाम है पिस्तिया। पिस्तिया और इकॉर्निया दोनों पानी में रहने वाले प्लांट है, और वो एक प्लांट से ऐसी एक सिंगल इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच निकलती है जो कि नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। इसे कहते हैं क्या? ऑप्सेट। सो ऑप्सेट इज अ रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट, इट इज अ सिंगल इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच। ओके, अब दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सब कुछ रिवाइज इस पर कर लेंगे, बाद में वो चार्ट जो हमने ड्रॉ किया है वो देखेंगे। देखो भाई, सकर जो है इसमें आने वाला, ये सकर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जमीन के नीचे है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ब्रांचेस दे रहा है। ओके, ये सकर है। रनर जो है वो जमीन पर मिट्टी से लग के ग्रो कर रहा है, हर नोड से ब्रांच निकल रहे हैं। सकर सकर कौन सक करता है आपके दिमाग को? पीसीपी, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना। रनर रन कौन कर रहा है? ओजी, एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी। तो ओ कौन? ऑक्सेलिस। जी कौन? ग्रास। कौन सा? लॉन ग्रास। स्टोलॉन, स्टोलॉन मैंने कहा था कि ये सीधा नहीं ग्रो करता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आके ग्रो करता है, ऊपर एरियली जाके ऐसा आर्च फॉर्म कर रहा है और बाद में वो ग्रो करता है। कौन है स्टोलॉन में? मिंट है, जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है। और ये पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें सिंगल इंटरनोड लॉन्ग, सिर्फ एक इंटरनोड, यानी यहाँ एक नोड है और यहाँ एक नोड है, ये एक इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है उसे ऑप्सेट कहते हैं। ऑप्सेट किसमें है? तो ऑप्सेट इज प्रेजेंट इन क्या? ई कॉर्निया एंड दूसरा है पिस्टिया। ई कॉर्निया वाटर हायसिंथ का मैंने कहा था कि दोबारा आएगा, इकोलॉजी में आएगा ये दोबारा, और भी एक दोबारा आएगा। ये जो ई कॉर्निया है इसकी स्टोरी ऐसी है भाई लोगों की, इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हुआ करते हैं, मतलब होते हैं, फ्लावर्स काफी खूबसूरत होते हैं। ये पहले हमारे देश में नहीं हुआ करता था, इंडिया में, ये इंडिया का नेटिव नहीं है ये ई कॉर्निया। कोई एक बंदा एब्रॉड गया, उसको इसके फ्लावर्स बहुत पसंद आया, और फ्लावर्स पसंद आने के बाद ये उन खूबसूरत फ्लावर्स के लिए इसको वहां से यहाँ लेके आया, इस ई कॉर्निया प्लांट के सीड्स को, और यहाँ पर उसने कल्टिवेट किया। कल्टीवेट करने के बाद समझ में आया कि ये इतना फैलता है, इतना रैपिडली फैलता है। इसका दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। क्यों टेरर है इसका? क्योंकि ये पानी में फैलता है और पानी की पूरी सतह पे ये प्लांट आ जाने से नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और पानी के अंदर के प्लांट सॉरी अंदर के जो जानवर है, फिश है या बाकी और एक्वेटिक एनिमल जो है वो मर जाते हैं। तो ये टेरर ऑफ बंगाल है भाई लोगों। कौन? इकॉर्निया, जो और एक बार आएगा, मतलब जो स्टोरी मैंने बताई है वो सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बताया मैंने, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, खाली 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक में है। तो जो इकॉर्निया है, टेरर ऑफ बंगाल है, वो उसके खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से हमारे देश का नेटिव ना होने के बावजूद भी उसे कोई बंदा लेके आया, उसको कल्टिवेट किया, और वो इस स्पीड से फैला कि बाद में यहां से उसे खत्म करना पॉसिबल ही नहीं हुआ। ओके, देन साहिल, कंट्रोल योर इमोशंस। साहिल मन तो सर ले मारला सर मुक्ताला। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रथमेश, डाउट क्लियर हो गया तेरा? तूने कमेंट किया था ना, तो अब क्लियर हो गया प्रथमेश? लेट्स मूव ऑन। तो चलो भाई रिवाइज कर लेते एक बार। अनिरुद्ध, पेरिनेशनचा पॉइंट मी सगळे मॉडिफिकेशन सांगितल्यानंतर सांगणार आहे, जो पेरिनेशन का पॉइंट है वो सब कुछ बोलने के बाद में बोलूंगा, सब पढ़ने के बाद। तो चलो भाई, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मी परत परत सांगतोय, आता तुम्हाला पूर्णच आठवलं पाहिजे हा चार्ट।
रायझोम म्हटल्यावर पटकन जिंजर आणि दुसरं माझ्या कानात आवाज येतोय तुमचा काय रवी असं एकदम तालासुरात सर जिंजर आणि टर्मेरी वर्गात तालासुरात म्हणतात ना तुम्ही तसंच एकदम तिथंच तसंच म्हणायचं आहे जिंजर म्हटल्यानंतर लगेच तिथे एकदम त्याच तालसूर लयबद्धतेनं टर्मेरिक ओके दूसरा स्टेम ट्यूबर क्या है पोटैटो है उसके बाद सकर पीसीबी कौन सक्कर रहा है पीसीबी पी फॉर पाइनएप्पल सी फॉर क्राइसेंथेमम और बी आपको पोस्ट करना है कमेंट करना है देन कॉर्न कॉर्न में कौन है जेड और दूसरा कौन है जेड फॉर जमीन कन दूसरा जेड के ब्रैकेट में क्या लिखा था ए फॉर अ मॉर्फोफैलस ये भी दोबारा आएगा 12th के टॉपिक में देन उसके बाद दूसरा था कोलोकैसिया सो जमीन कन एंड कोलोकैसिया बल बल अनियन एंड गार्लिक उसमें गार्लिक कौन है ट्यूनिकेटेड है क्योंकि उसमें बबलेट्स होते हैं ओके पटापट देन नेक्स्ट क्या है एक्टिव रहा ओके झोप येईल कंटाळा येईल नाही हरायचं नाही थांबायचं जीवावर येईल नको पण हे मस्ट आहे गरजेचं आहे उद्याची लाईफ एन्जॉय करायची ना आज मेहनत करा 6 महिने गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे बाकीचं तरी मग वर्ष वर्ष घासत राहावं लागतं 6 महिन्यात इतकं घासून टाकायचं की नंतर आयुष्यभर एक पण आयपीएल मिस नाही झाला पाहिजे ओके आयुष्यभराचे आयपीएल मिस होऊ द्यायच्या नसतील आयुष्यभर जर व्यवस्थित ड्रीम्स इलेव्हन खेळायचं असेल आयुष्यभर जर कधी लेक्चर्स असे कंपल्सरीली अटेंड करायचे नसतील तर आता अभ्यास करायला 6 महिने झोकून द्या इतकं की नंतर ना तुम्हाला पण असं वाटलं नाही पाहिजे की आपण याच्या पलीकडे काही करू शकत होतो आपण इतकी मेहनत घेतली आहे की याच्या पलीकडे काहीच करू आणि हे कारण सांगूच नका ऑनलाईन आहे हे ते 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 काही नसतं फरक क्रॅक करणाऱ्यांना ते सगळं व्यवस्थित म्हणजे हे होतं ओके सो त्याच्यामुळे कारण आणि उलट ऑन ऑफ ऑनलाईन मध्ये घरी बसून निवांत आता तुम्ही बसलेले आहात पाय पसरून चहा घेतायत तरी लेक्चर अटेंड करता येतं काहीतरी सपोज असं म्हणजे सपोज झोप येते तर तुम्ही चहा कॉफी घेत घेत लेक्चर अटेंड करू शकतात कधी कधी चुकून मिस झालं तर परत ते लेक्चर अवेलेबल आहे सो कारण काहीच सांगू नका ओके चलो चलो ओके वेरी गुड तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं यस ओके अब हमने इसके बाद क्या कंप्लीट किया एरियल मॉडल सब एरियल कंप्लीट किए तो सब एरियल में पहला मैंने क्या बताया था रनर दूसरा क्या बताया था स्टोलन और तीसरा क्या बताया था ऑफसेट रनर जमीन पर जो प्लांट है उनमें होता है ऐसे मिट्टी पर ग्रो करता है उसे रनर कहते हैं सकर जो सकर अंडरग्राउंड में आता है ये रनर है जमीन पर ग्रो कर रहा है लॉन ग्रास और पहला कौन था ऑक्सेलिस स्टोलॉन ऐसा आर्च फॉर्म करता है वरती जाऊन पर खाली येतं तर त्याला स्टोलॉन म्हटलं जातं स्टोलॉन मध्ये एक्झाम्पल कोण आहे तर मिंट जॅस्मिन आणि तिसरं काय स्ट्रॉबेरी आणि ऑप्सेट लक्षात ठेवा ऍक्वॅटिक प्लांट मध्ये असतं आणि ऑप्सेट ज्या असतात त्या सिंगल इंटरनोड लॉन्ग रनर सारखे असतात ऍक्वॅटिक प्लांट मध्ये एक्झाम्पल ई कॉर्निया और दूसरा कौन है दूसरा है पिस्टिया ई कॉर्निया कौन है टेरर ऑफ बंगाल टेरर ऑफ बंगाल ओके 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 मोहसिन हम स्टडी करेंगे आप टीम बनाओ अरे भाई ये पूरा कंटेंट कलेक्ट करने में आपको लगता है कि मतलब मैं बात करने से आपको ऐसा लगता है कि अच्छा सर आ गए लेक्चर ले लिया और बाद में देख रहे हैं आईपीएल इट्स नॉट दैट इजी आपके 1.5 घंटे के लेक्चर के लिए मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता है हर चीज के लिए ये सब कुछ कलेक्ट करो उसमें से बेस्ट इमेजेस सिलेक्ट करो कंटेंट को समराइज करो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसको एक स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन करना पड़ता है हर दिन का हिसाब रखना पड़ता है कि कितना आज होना चाहिए सिलेबस ओके तो ये मेरा भी पूरा दिन आप ही की तरह जाता है और आज नहीं कई सालों से जा रहा है ओके और ये सबका होता है हर एक के पीछे काम है तो आप ये मत कंसिडर करो कि आप ही ज्यादा सफर कर रहे हो हर कोई हर बंदा मेहनत कर रहा है आज की डेट में हर कोई भाग रहा है ओके चलो आगे बढ़ते इसके बाद बचा क्या एरियल मॉडिफिकेशन ओके एरियल के बाद सब कुछ याद हो जाना चाहिए ओके लास्ट है आज का ये एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम कंप्लीट हो जाएगा आज
एरियल मतलब जो हवा में है, जो हवा के साथ साथ है, जो हवा के संग संग है, जो हवा के साथ साथ है और हवा के संग संग है, उसमें कौन है? एरियल मॉडिफिकेशन से। इसमें ये भाई स्टेम है, ओके। अब हवा में मॉडिफिकेशन जो है उसमें पहला है स्टेम टेंड्रिल्स, सेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स मध्ये मी फक्त टेंड्रिल का नाही म्हणत आहे, मी स्टेम टेंड्रिल का म्हणतो आहे, कारण मी तुम्हाला लीफ के मॉडिफिकेशन जो होते हैं उसमें लीफ टेंड्रिल भी पढ़ाने वाला हूं, मैं उसमें लीफ टेंड्रिल्स भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये टेंड्रिल वर्ड क्या होता है, आप सबने देखा है ऐसा वायर लाइक ग्रीन कलर का ब्रांच निकलता है, उसे स्टेम टेंड्रिल कहा जाता है। तो जो सॉरी उसे टेंड्रिल कहा जाता है, अगर वो स्टेम से निकल रहा है तो स्टेम टेंड्रिल, और अगर लीफ उस तरह से मॉडिफाइड है तो उसे कहते हैं लीफ टेंड्रिल। अगर लीफ मॉडिफाइड है तो लीफ टेंड्रिल और स्टेम मॉडिफाइड है तो स्टेम टेंड्रिल, ओके। So, ये जो ऐसा वायरी स्ट्रक्चर होता है, क्यों बनता है ये? तो प्लांट को आसपास के स्ट्रक्चर्स को ग्रैब करने के लिए, होल्ड करने के लिए बन रहा है, और इससे प्लांट को क्लाइंबिंग में मदद होती है। किस में पाया जाता है? पाया जाता है गाउट्स में। गाउट्स, गाउट्स में कौन आता है? अपना कुकुम्बर आता है। गाउट्स में कौन आता है? अपना ही पंकिन आता है। गाउट्स में कौन आता है? गाउट्स में अपना ही वाटरमेलन आता है, ओके। सो गाउट्स जो है इस ग्रुप में कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। वाटरमेलन म्हणजे टरबूज, पंपकिन म्हणजे काय कोणी तरी सांगा रे, मी सांगतो, कुकुम्बर म्हणजे काकडी, ओके। कुकुम्बर म्हणजे काकडी, काकडी म्हणजे ते खिरे जे येतात मोठे, सो कुकुम्बर, वॉटरमेलन और उसके बाद पंपकिन। पंपकिन म्हणजे काय, काय वाटतं तुम्हाला? पम्पकिन म्हणजे ते डांगरामध्ये चक्री वर्जन नाही आहेत का, किंवा त्या टाईपचं, ओके। सो भोपळा टाईपचे फळ असतात हे, यस यस यस, कद्दू, यस। तो ये पम्पकिन है, कुकुम्बर है, और ये कद्दू है, ककड़ी है एंड वाटरमेलन, ओके। तो इनमें क्या है, स्टेम से बने हुए टेंड्रिल है, लीफ के भी हमें पढ़ने हैं, तो ये यहीं पे है नो स्टेम टेंड्रिल्स। तो ये क्लाइंबिंग के लिए होते हैं, ये देखो ये स्टेम टेंडल्स इस सपोर्ट से क्लाइंब करके, वो जो वेली सारखी ये प्लांट असतात आणि त्यांचे मग हे टेंडल्स जे असतात ते आजूबाजूच्या स्ट्रक्चरच्या आजूबाजूला रॅप होतात, आणि तिथे काय करतात, रॅप तो नाही हनीसिंगचा, हा रॅप आहे गुंडाळण्याचा, ओके। सो हा जो रॅप आहे, मग या हिशोबानं हे इथं रॅप होतात, तर हे जे गाउट्स आहेत हे काय झाले, हे रॅपर झाले, ओके। सो गाउट्स आर द रैपर्स, उनका कौन रैप होता है यहाँ पे, तो स्टेंड्रिल्स रैप होते हैं। कौन है गाउट्स में, तो पंकिन है, वाटरमेलन है, और उसके बाद तीसरा कौन है, कुकुम्बर है, ओके। कुकुम्बर, काकड़ी, वो कद्दू और ये वाटरमेलन, तो ये रैपर है तीनों, याद रखना। ये हो गया पहला मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम जो है वो कांटों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ओके। स्टेम जो है वो कांटों में मॉडिफाई होते हैं, कांटे जहां पर भी बने, पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो कांटे हैं ये स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी आने वाले, थॉर्न्स और लीफ के मॉडिफिकेशन में भी आने वाले। कुछ प्लांट्स में लीफ जो है वो स्टेम में कांटों में मॉडिफाई होते हैं, कुछ प्लांट में स्टेम जो है वो उनसे कांटे बनते हैं, उनसे थॉर्न्स बनते हैं। थॉर्न्स का पर्पस एक ही, कोई आके इन्हें खा न ले, ओके। कोई आके इन्हें खा न ले, इसलिए थॉर्न्स होते हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। इसमें कौन आता है? इसमें सिट्रस ग्रुप के प्लांट आते हैं, ओके। सिट्रस ग्रुप के प्लांट आते हैं। सिट्रस में कौन है? तो सिट्रस में ये अपना संतरा है, नींबू है, ये सिट्रस ग्रुप के प्लांट्स हैं, और इनको अगर देखो ना आप, तो इनके स्टेम पर कांटे होते हैं, काफी बड़े बड़े कांटे होते हैं। देन ये हो गया थॉर्न्स, दूसरा मॉडिफिकेशन एरियल। तीसरा जिसमें बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये दो वर्ड्स एरियल में ठीक से समझ लेना, एक होता है फाइलोक्लेड, ओके। एक होता है फाइलोक्लेड और दूसरा होता है क्लैडोड। फाइलोक्लेड और क्लैडोड,
कुछ प्लांट में क्या होता है, स्टेम जो है उस स्टेम ग्रीन कलर का रह जाता है, स्टेम जो है वो लाइफ टाइम ग्रीन कलर का हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं ना, ये लीव्स रिड्यूस होके, लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसमें से कई जगह पर ये लीव्स जो है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लीव्स रिड्यूस हो गए एंड दे कन्वर्ट्स इनटू थॉर्न। वो थॉर्न में मैंने कहा कि थॉर्न बन क्यों रहे हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए बन रहे हैं, ओके सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव पर्पस है, मतलब यहाँ पर सिर्फ थॉर्न्स बन रहे हैं ये एक चीज नोट नहीं करना है। फाइलोक्लेड में जो आपका स्टेम है वो भी ग्रीन कलर का होता है, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो आप तो कहोगे सर फिर लीफ का काम भी तो फोटोसिंथेसिस का होता है, उन्हें क्यों रिड्यूस कर दिया, इसलिए रिड्यूस कर दिया भाइयों और बहनों कि ये जो लीफ होता है ना इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है, तो जिन एरियाज में पानी की दिक्कत होती है, पानी की किल्लत होती है, जमीन में पानी कम है, ड्राई एरिया है, जीरो फाइटिक कंडीशंस है, तो उन एरियाज में ये जो लीव्स है ये लीव्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका बड़ा सरफेस एरिया होने की वजह से काफी ज्यादा पानी ये लॉस कर देते हैं इवेपोरेशन से, तो पानी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता ये प्लांट लॉस होना, तो इसलिए ये लीव्स जो है ये लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं और इनका काम ये स्टेम करता है, और जब भी कोई स्टेम ऐसा ग्रीन कलर का दिखे उसे कहते हैं क्या, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, अब फाइलोक्लेड में दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, एक पसरट फाइलोक्लेड, एक फ्लैटन होता है फ्लैटन, और दूसरा सिलेंड्रिकल। डरो मत घबराओ मत, आप लोगों ने देखा हुआ है, फ्लैटन जो है उसका एग्जाम्पल है ऑपुंशिया, ऑपुंशिया, और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया कंफ्यूज मत हो जाना, वो पहले यू कॉर्निया था, यू कॉर्निया, ये यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड है और ये फ्लैटन है, इमेज देखते ही आप समझ जाओगे। देखा है या नहीं देखा है, देखा होगा ना ये, तो इसमें इसपे ये जो है ना ये एक्चुअली लीव्स नहीं है, स्टेम है ग्रीन कलर का, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये रिड्यूस लीव्स है जो थॉर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं वाटर लॉस अवॉइड करने के लिए। ओके ओके, तो ये क्या है, ये है फाइलोक्लेड। ओके, और एग्जांपल क्या है, ऑपुंशिया, तो ये फ्लैट फाइलोक्लेड है, पसरट है ना ते। दूसरा है एग्जाम्पल इसका यूफोर्बिया, यूफोर्बिया भाई, ये यूफोर्बिया है, तो इसमें ही सिलेंड्रिकल है, सब पसरट नहीं है, ये यूफोर्बिया, इस पे भी स्टेम ग्रीन कलर का है, कांटे नहीं है उसपे, सॉरी कांटे है उसपे जो लीव्स नहीं है, तो वो पर्पस इसका फोटोसिंथेसिस है, वाटर लॉस प्रिवेंट करना है, सो दिस इज ऑल्सो, ये भी क्या है, ये भी फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड है। ओके, शक्ति कोई गुंजाइश, देन अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैंने लिखा था क्लैडोड, क्लैडोड में क्या होता है, ये स्टेम है और ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस ऐसे थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस कन्वर्ट्स इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल है रस्कस, रस्कस। ओके, तो ये रस्कस जो है ये क्लैडोड का एग्जांपल है, जस्ट अ मोमेंट, देखो ये आपको लीफ लाइक दिख रहा होगा लेकिन अगर आप जब भी इसे फील करोगे ना ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, टफ होता है, तो ये लीफ नहीं है, ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन है, तो जहां पे ब्रांचेस ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो दरअसल होता है क्लैडोड। वो क्या होता है, क्लैडोड, क्लैडोड। ये क्या है, क्लैडोड है, एग्जाम्पल रस्कस, रस्कस नंतर विचार नका अस्कस मरो ना, अस्कस फंगस मदे।